सुशांत सिंह राजपूत मामला आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, पर कहा जा रहा है कि जब से मलाइका अरोड़ा के पिता की डेथ हुई है तब से सुशांत मामले के बारे में भी लोग जिक्र कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री के अंदर अक्सर ऐसा क्यों होता है कि कोई बिल्डिंग से गिर जाता है या फिर किसी मामलों के बाद गंभीर सवाल उठ जाते हैं। इंडस्ट्री में ही हमने देखा कि पिछले कई महीनों में बहुत हार्ट अटैक आए, कई लोगों ने गलत कदम उठाए, कई लोगों के साथ पत्नी गलत हो गया और इंडस्ट्री के अंदर ही अक्सर ऐसा क्यों होता है ये कोई नहीं जानता, जबकि इंडस्ट्री में लोगों के पास पैसा भी है, शौहरत भी है, नाम भी है, उसके बावजूद आप सोचिए आम इंसान जिसके पास ना पैसा है ना नाम है वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो अपनी लाइफ जी रहा है, पर इंडस्ट्री में जब इंसान के पास सब कुछ है उसके बावजूद वो गलत कदम क्यों उठाएगा, इसको लेकर गंभीर सवाल बनते हैं। पर वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक एक्टर है जिनका नाम बताया जा रहा है प्रवीण दवात है और बोला जा रहा है कि इन्होंने कई टीवी सीरियल से लेकर कहा जा रहा है कि कई फिल्मों में काम किया है और हाल ही में खबर निकल गई कि इनका एक बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट हुआ है जिनपे इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। क्या है पूरी खबर बताएंगे, पर पहले यहाँ पर बता दें आपको कि सुशांत और कहा जा रहा है कि बिहार में मलाइका अरोड़ा के पिता की तरफ से डेथ हुई है तब से कहा जा रहा है कि बहुत गंभीर सवाल लोग उठा रहे हैं, जैसे कि मलाइका के पिता की डेथ होने के बाद वहां पर अरबाज तुरंत ही पहुंच जाते हैं और बता दिया जाए मलाइका के पति ही थे अरबाज तलाक होने से पहले, पर अभी वो पति नहीं है, पर फिर भी मलाइका के सपोर्ट में कहा जा रहा है कि अरबाज तक फटाफट पहुंच जाते हैं। इसके बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब ये तो देखिए लोगों के अंदर कहीं ना कहीं लोगों की मेंटेलिटी है, जब इंसान जल्दी चला जाए तब सवाल उठाए जाते हैं और आपको याद दिला के जाए ऐसा ही हुआ था सुशांत केस में, संदीप सिंह जब जल्दी पहुंचे तो सवाल उठे थे, पर यहाँ पर अरबाज खान जल्दी पहुंचे हैं इस मामले में, सुशांत मामले में सवाल उठे कि आखिरकार सुशांत साथ हुआ क्या कोई नहीं जानता। मलाइका के पिता की जब डेथ हुई है तो कहा जा रहा है कि मामला सिंपल बताया जा रहा है और बोला जा रहा है कि उन्होंने अपने ही बालकनी से नीचे कूद कर अपने आप को खत्म कर लिया, पर क्या आखिरकार इंडस्ट्री में ऐसा सब कुछ क्यों होता है, कैसे होता है कोई नहीं जानता, क्योंकि इंडस्ट्री में लोगों के पास कमी किसी चीज़ की नहीं है, उसके बावजूद इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद लोग अपने आप को खत्म कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि कहा जा रहा है कि ना पैसे की कमी ना फेम की कमी, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि लोग अपने आप को क्यों खत्म कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट सवाल बना हुआ है। पर वहीं पर सुशांत मामला 4 साल से पेंडिंग है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता और ना ही करना चाहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों आखिरकार इसको लेकर भी लोग मन में कई गंभीर सवाल है पर लोग पूछते नहीं है, सोशल मीडिया पे पूछते हैं, अब क्योंकि न्यूज़ मीडिया में खबर चलती नहीं है सुशांत मामले को लेकर तो इसलिए लोग ज़्यादा पूछा भी नहीं करते हैं। पर इंडस्ट्री में कहा जा रहा है कि बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो सुशांत के लिए आज भी चाहते हैं कि सुशांत मामले का कंक्लूजन निकल के आए, सुशांत को न्याय मिले। अब ये तो पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री के एक एक्टर जिनका नाम प्रवीण दवास बताया जा रहा है, वो एक्ट्रेस प्रीति है, उनके कहा जा रहा है कि पति बताए जाते हैं, हाल ही में कहा जा रहा है कि 21 सितंबर को खबर निकल गया है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। जब कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल लेके जाया गया तो पता ही लगता है कि जो रिपोर्ट बता रही है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है, सिचुएशन क्रिटिकल है और एक्सीडेंट बड़ा हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखने वाला विषय कि आखिरकार उनकी हेल्थ सिचुएशन में कितना सुधार हो गया तो आने वाले वक्त में पता लग पाएगा, पर एक बेहतरीन कलाकार है, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, पर हाल ही में एक एक्सीडेंट के कारण कहा जा रहा है कि अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो यहाँ पर देखने वाला विषय पर कि आखिरकार एक्टर जो अस्पताल में है इनकी हालत कब सुधरेगी ये तो पता नहीं, पर फिलहाल कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री की हालत बेहाल होती जा रही है दिनों दिन, ये साफ प्रतीत हो रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा अपनी राय। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप सपोर्ट करेंगे, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना भूलना, साथ में नए चैनल यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम पर टेंटार वाला है, फेसबुक पर वाला, इनका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं, चलिए नमस्कार, जय। We'll be right back.